गोरखा हित सर्वोपरि। एक बार फिर अपनी दरिया दिली और लोगों की मदद करने वाले दार्जिलिंग के गोरखा पुत्र सांसद राजू बिष्ट ने लोगों के दिलों को जीतने का काम किया है। दरअसल दार्जिलिंग निवासी नवीन किशोर तामंग, जो अपने घर वालों की मदद करने के उद्देश्य से अरब के देश कतर में काम करने गए थे, लेकिन कोरोना महामारी के चलते पिछले 3 महीनों से उनकी कंपनी बंद होने के कारण उन्हें बहुत सारी तकलीफों से गुजरना पड़ रहा था। इतना ही नहीं, उनको कोरोना की बीमारी से भी दो चार होना पड़ा। मुश्किल हालात में कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उन्होंने दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट से मदद की गुहार लगाई, जिसके पश्चात स्वयं सांसद राजू बिष्ट ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए अपने संसदीय क्षेत्र के युवा जो विदेश में विषम परिस्थितियों में फंसे थे, उनकी मदद के लिए आगे आए। सांसद के द्वारा पहुंचाए गए मदद के बाद तामंग अब इलाज के बाद पूर्णतः स्वस्थ हो चुके हैं। तामंग ने गोरखापुत्र सांसद की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उन्हें धन्यवाद भी किया है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के समय से ही दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट न केवल अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को लगातार उनकी दुख तकलीफों में देश भर में विदेश में भी मदद पहुंचा रहे हैं, बल्कि देश के अलग अलग कोने में रहने वाले गोरखाली समाज एवं उत्तर बंगाल के लोगों को भी वह लगातार मदद पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। नमस्कार राजू बिष्ट जी, माननीय संसद महोदय दार्जिलिङ, यहाँलाई म आफ्नो व्यक्तिगत पक्षबाट आज यस भिडियो मार्फत धन्यवाद भन्न चाहन्छु। किनभने मेरो घर परिवारले म जुन एउटा दुःखको समयलाई झेलिरहेको थिएँ र एकैपल्टको तपाईँसँग सम्पर्क गरेर तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्दाखेरि तपाईँले तत्परताको साथ हाम्रो कतारको जुन दूतावास छ, भारतीय दूतावास, त्यहाँ सम्पर्क गरेर तपाईँले आफ्नो सांसदीय स्तरमा जुन एउटा ठुलो उपकारको निम्ति सहयोग गर्नुभयो र त्यसकै बदौलत भनौँ आज म सुस्वस्थ भएको छु र आज म जुन एउटा त्यो दुःखको घडी थियो त्यो दुःखको घडीदेखि म उद्धार भएर यहाँहरू समक्ष यसरी बोल्न सकिरहेको छु। यो सम्पूर्ण को निम्ति यहाँहरू जुन एउटा प्रयास थियो, यहाँहरूको लगनशीलता थियो र यही कारणले म आज यहाँ बोल्न सक्ने भएँ र यसको निम्ति म अनि मेरो सम्पूर्ण परिवारको तर्फबाट कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु र जुन एउटा सुन्दर भविष्य सोचेर तपाईँले पनि आफ्नो क्षेत्रलाई अनि भारत सम्पूर्ण भारतको जुन उन्नतिको निम्ति प्रगतिको निम्ति यहाँले कदम चालिराख्नु भएको छ र आफ्नै संसदको क्षेत्रमा पनि तपाईँले धेरैवटा यस्तो उद्धारको काम गर्नुभयो, राम्रा राम्रा पहलहरू गर्नुभयो। सायद म जस्तै धेरैजना विदेशमा भारतीय गोर्खाहरू प्रताडित पनि होला, कोही दुःखमा होला, यहाँले धेरै जसलाई सहयोग गरेको पनि मैले सुने र यसरी तपाईँको जुन एउटा सहयोगको हात छ र यो सहयोगको हात अनि जुन एउटा उदारताको मन छ यो सधैँ नै यसरी नै यसले पराकाष्ठा प्राप्त गरून्। तपाईँले जुन चाहनुभएको जुन एउटा लक्ष्य छ र त्यो लक्ष्य जुन एउटा प्राप्ति छ, लक्ष्य प्राप्ति र त्यो लक्ष्यलाई पनि यहाँले सहज रूपमा प्राप्त गरून् भन्ने मेरो शुभकामना पनि यहाँलाई भन्न चाहन्छु र सम्पूर्णको तर्फबाट म यहाँलाई कृतज्ञता प्रकट गर्दै यो भिडियो म प्रसारण गरिरहेको छु।